अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं SMT रिवर स्टेशन का, जिसका मॉडल है हमारे पास आज काटा 878D+। तो इसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं। ये 2-in-1 है, इसमें आपके पास कारियर भी आ जाता है और हीट पंप भी आ जाता है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम चलते हैं इसके अनबॉक्सिंग की तरफ और इसका रिव्यू करते हैं, देख चेक करते हैं कैसी मशीन है ये। सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग की तरफ। अनबॉक्सिंग में आप इसकी देख सकते हैं कि हमारे पास एक अदर मैनुअल आ जाता है, ठीक है, और ये काफी आ गया। ये इसकी चार्जिंग, ये इसकी पावर केबल आ गई है। अच्छा, ये हमारे पास हीट पंप आ गया और ये काटा का रिवर स्टेशन आ गया, SMD रिवर स्टेशन। तो अब जो इसमें इसको छापर से बाहर निकाल लेते हैं। पहले जो इसका जो हीट पंप है ये इसके साथ फिक्स लगा हुआ है, ठीक है। ये इसकी पोर्ट लगी हुई है, अगर आपने इसको खोलना है तो ये पूरा खुलेगा और फिर आप इसको निकाल सकेंगे इसके अलग से साथ अलग। तो ये इसके साथ फिक्स लगा हुआ है और ये काबिया के लिए उन्होंने इसको पोर्ट दी हुई है, यहाँ पर आप इसको काबिया लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देख लेते हैं डब्बे में क्या क्या है। इसके अलावा हमारे पास ये हीट गन का स्टैंड आ गया, 3 नोजल्स आ गई। और ये काविया का स्टैंड आ गया हमारे पास। हमने इसका सेटअप कर लिया, तो सबसे पहले हम इसके काविया की बात कर लेते हैं। काविया की तरफ आ जाते हैं सबसे पहले। अब इसका जो काविया है ये DC काविया है, ठीक है। जो इसका करंट है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा, AC से नहीं आ रहा, वो करंट होकर इससे आ रहा है। जो यूनिट है ये में पास कर रहा है करंट। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, DC काविया होने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ये शॉर्ट नहीं होता। दूसरे काबिया जो होते हैं वो अक्सर आपको शॉर्ट दे देते हैं, जो आपके लिए डेंजरस भी होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि इसमें शॉर्ट होने का खर्चा नहीं होता और ये जल्दी ख़राब नहीं होते, क्योंकि ये मशीन करंट को कंट्रोल कर रही होती है। तो इनमें शॉर्टेज होने का और ख़राब होने का करंट की वजह से वो कम होता है, ठीक है। और दूसरा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी टिप वगैरह आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ये इस तरह ओपन हो जाता है, यहाँ से आप इसकी न्यू टिप इजीली चेंज कर सकते हैं। और इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो होते हैं इन काबियों के, वो इजीली आपको मिल जाते हैं। इन काबियों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनमें काम आपका नहायत ही नफासत हो जाता है और काम करना आसान हो जाता है। इसमें बहुत ईजीली आपके टांके लग जाते हैं और इसमें जो हीट एडजस्टमेंट का लेवल है वो आप इजीली हीट एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमने इसको ऑन नहीं किया, उसको मैं ऑन करके भी आपको चेक कराऊंगा। तो ऑटोमेटिक आप हीट एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए काम करना नहायत ही आसान हो जाता है और हीट अप होने के लिए इसका टाइम नहीं लगता, जल्दी हीट अप हो जाता है। अच्छा, अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। ये पूरी हमने सेटिंग इसकी की हुई है और ये बैक पे बटन लगा हुआ है, ठीक है। ये आपको वीडियो में आ रहा होगा, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, ऊपर करूँगा तो ये ऑन हो जाएगी। और ये ऑन हो गई है, ये देखें ये टेम्परेचर फीचर आ रहा है। तो यहाँ पे तो एयर कंट्रोल आ रहा है हीट गन का, ठीक है, और ये हीटर आ रहा है और ये वाला काविया का टेम्परेचर आ रहा है, ये वाला। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से काविया को एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। अभी मैंने काविया का टेम्परेचर हाई किया है और ये हीट अप होना शुरू हो गया। तो यहाँ से आप काविया को कंट्रोल कर सकते हैं इस बटन से, ठीक है। फिलहाल इसको मैंने बंद कर दिया। देखें जिस तरह मैं इसको ये हीट दूंगा, ठीक है, पावर दूंगा, ये पावर की लाइट ऑन हो जाएगी, ये काफ़ी हीट अप होना शुरू हो गया। तो मैं यहाँ से इसको बंद करूँगा तो ये पावर की लाइट बंद हो जाएगी। अच्छा, हीट पंप का जो आप काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। अगर मैं इसको उठाऊँगा तो ये ऑन हो जाएगा, वापस रखूँगा कूल डाउन होके 2 मिनट के अंदर खुद बंद हो जाएगा। ये देखें बंद हो गया खुद ही, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे से पावर ऑफ करके थोड़ी डिटेल बता देता हूँ आपको। अच्छा, जो इसका हीट पंप है, जो सारा सिस्टम होता है हीट पंप का, ये सारा इसके अंदर ही है। इसका जो हीट के सिस्टम है, जो इसका एयर का सिस्टम है, वो सारा इसके अंदर ही लगा हुआ है। तो यहाँ से ये एयर खींचता है, ठीक है, जो एयर आती है। तो मतलब सारा सिस्टम इसके अंदर ही है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये कभी आपका ख़राब हो जाता है
तो ये भी आपको नया मिल जाता है इजीली, ऑनलाइन भी मिल जाता है, हमारे स्टोर से भी आपको इजीली नया मिल जाएगा। मतलब इनका सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये है कि आपको स्पेयर पार्ट्स इनके इजीली मिल जाते हैं। इसकी जो हीट पंप है इसके साथ आपको 3 नोज़लें भी मिल जाती हैं। अब ये मुख्तलिफ साइज़ की आपके पास 3 नोज़लें आ जाती हैं जिनको आप इजीली इसके साथ अटैच कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरह आप इसको इजीली अटैच कर सकते हैं नोज़ल को। अच्छा, आप इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करके मैं आपको इसको बता दूं कि ये आप ऑन करके इसको यहाँ से आप एयर कंट्रोल कर सकते हैं, एयर काम करना चाहें मैक्सिमम 10 एयर है, ठीक है, एयर आप लो कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर का कंट्रोल, ये हीट का कंट्रोल आ जाता है आपके पास, हीट आप इसकी जितने मर्ज़ी पे सेट कर सकते हैं। नॉर्मली आप 200-300 पे सेट कर सकते हैं अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं, जिस तरह मैक्सिमम जो है इसकी 450 तक इसकी हीट है, ठीक है। काफ़ी अब ये हीट देने लगे हैं, इसको यहाँ पर रखेंगे, अब ये खुद ठंडा होकर कूल डाउन होकर बंद हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसकी बॉडी पे आ जाते हैं। इसकी बॉडी फुल प्लास्टिक की है, तो काफ़ी वज़नी है, अंदर जो इसके अंदर एलिमेंट लगे हुए हैं काफ़ी अच्छा एलिमेंट लगा हुआ। और बेसिकली इसका जो काम होता है, इसका काम सिर्फ करंट मतलब ट्रांसफ़र का काम है, और इसका इसका बाकी कोई काम नहीं। बाकी LCD आपके पास डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर शो हो जाता है, एयर हॉट जो मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। तो ये आपके पास काफ़ी का बटन आ गया, ये हीटर एयर कंट्रोल आ गया, ये हीटर के बटन आ गए, मतलब सिंपल सा इसका है। और ये बैक पे आपके पास ये पावर आपके पास आ जाती है, ठीक है। और प्लास्टिक बॉडी है, शॉर्टेज का कोई ख़तरा नहीं है, बहुत मज़े की चीज़ बनाई है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर रिपेयरिंग से अगर कोई चीज़ आपका इस तरह का यूज़ है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी मशीन है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आखिर मैं ऐड करता जाऊँ कि ये जो पड़ा हुआ है ये बेसिकली फॉर्म है काविया साफ़ करने के लिए, इसको अगर आप पानी में डुबोएंगे तो ये फॉर्म की तरह बन जाएगा, और ये काविया जब आपको पता होगा यूज़ कर करके काला हो जाता है, तो ईज़िली से ये साफ़ हो जाएगा। और अगर आप पे भी मैल जमी हुई है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद ही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।